दोस्तों बहुत जल्दी फ्लिपकार्ट के ऊपर हमें समर सेल देखने को मिलेगा। ऑलरेडी फेब्रुअरी मंथ स्टार्ट हो चुका है, फेब्रुअरी मंथ के एंड तक हमें ये समर सेल देखने को मिल जाएगा फ्लिपकार्ट के ऊपर, जिसमें हमें सारे के सारे आईफोन, जितने भी सारे आईफोन हैं, आईफोन 12, आईफोन 13, आईफोन 14 और आईफोन 15 बहुत ही अच्छे प्राइस पे देखने को मिल सकता है। तो अगर आप एक नए आईफोन का तलाश कर रहे हैं बहुत ही सस्ते प्राइस में, तो डेफिनेटली आपको इस सेल के लिए वेट करना चाहिए, क्योंकि इस सेल में टिल अप टू 15 तक आपको सारे ही आईफोन में काफ़ी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। क्रेडिट कार्ड का भी ऑफर रहेगा, साथ ही साथ यहाँ पे कुछ एक्सचेंज बोनस भी रहेगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ये जो समर सेल फ्लिपकार्ट के ऊपर आने वाला है उसमें आईफोन 12, आईफोन 13 और आईफोन 14 एंड आईफोन 15 क्या कुछ प्राइस में आ सकता है, क्या कुछ एक्सपेक्टेड प्राइस है, इन डिटेल्स बात करेंगे। तो वीडियो में आप लोग बने रहना, साथ ही साथ आप लोग कमेंट में ये भी बता देना कि इस बार के सेल में आप कौन सा आईफोन खरीदने वाले हो। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आईफोन 12। आईफोन 12 से नीचे जितने भी सारे फोन है, जैसे कि आईफोन 11, आईफोन 12 मिनी, ये सारे फोन के ऊपर किसी भी तरह का आपको ऑफर देखने को नहीं मिलेगा। ऑफर जो स्टार्ट होगा वो डायरेक्टली आईफोन 12 से स्टार्ट होगा और 12 से नीचे कोई भी आईफोन में आपको ऑफर देखने को नहीं मिलेगा। इनफैक्ट आईफोन 12 मिनी, आईफोन 11, ये सारे फोन आज के डेट में आपको नया ऑनलाइन नहीं मिलेगा। ऑफलाइन किसी जगह पे अगर स्टॉक होगा तो वहां पे मिल सकता है, लेकिन ऑनलाइन नहीं मिलेगा। तो सेल जो डायरेक्टली स्टार्ट होगा वो 12 से स्टार्ट होगा। 12 अगर हम लोग यहाँ पे 64 GB की बात करें इस बार समर सेल में, तो प्राइस अराउंड 33 आ सकता है आफ्टर क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट। कौन सा क्रेडिट कार्ड होगा, एग्जैक्ट डेट कब है, वो हम लोग वीडियो में आगे बात करेंगे। मोटा मोटा यहाँ पे जिस तरह का न्यूज है उसके अकॉर्डिंग ये कहा जा सकता है 64 GB के आईफोन 12 के लिए आपको इस बार समर सेल में पे करना पड़ सकता है 33,000। साथ ही साथ अगर आप 128 GB तलाश कर रहे हो तो 128 GB के लिए आपको और 5,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जिसका मतलब हो जाएगा 38,000। तो अगर आप 128 GB लेने का सोच रहे हैं तो आपको बिल्कुल आईफोन 12 नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कुछ और एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड करके आपको आईफोन 13 मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं आईफोन 13 हमें इस सेल में कितना प्राइस पे देखने को मिल सकता है। मेरे पास जिस तरह का इन्फॉर्मेशन है, आईफोन 13 का जो सेल होगा वो हमें फ्लिपकार्ट के ऊपर देखने को नहीं मिलेगा, ये हमें देखने को मिलेगा अमेजोन के ऊपर। और अमेजोन के ऊपर ये जो सेल आएगा वो भी समर सेल ही होगा। अब डेट उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन जैसा कि इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग इस मंथ के एंड तक या तो मार्च के फर्स्ट वीक में आपको अमेजोन के ऊपर भी समर सेल देखने को मिलेगा, जिसमें आपको आईफोन 13 के ऊपर काफ़ी अच्छा ऑफर देखने को मिलेगा। आईफोन 13 की अगर हम लोग एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करें इस वाले समर सेल में, तो लगभग आपको 46,000 में आईफोन 13 देखने को मिलेगा। ऊपर से आप यहां पे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का डिस्काउंट भी 1-2 हज़ार ऐड कर सकते हो। तो मोटा मोटा अगर आप ये हिसाब लगाते हो आईफोन 13 128 GB के लिए, तो आपको पे करना पड़ सकता है 45,000 अप्रोक्सीमेटली। बहुत लोगों का क्वेरी ये भी रहता है, क्या हमें आईफोन 13 मिनी के ऊपर कोई भी ऑफर देखने को मिलेगा? इसके बाद कोई भी सेल में आपको ना तो आईफोन 12 मिनी ना तो आईफोन 13 मिनी किसी भी फोन में कोई भी तरह का ऑफर देखने को नहीं मिलेगा। जो भी ऑफर देखने को मिलेगा इस फोन में देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आईफोन 14 का प्लस वाले मॉडल में और आईफोन 15 के प्लस वाले मॉडल में सेल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो वो है आईफोन 14। आईफोन 14 का भी जो सेल होगा वो आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर ही देखने को मिलेगा, और फ्लिपकार्ट पे समर सेल में आईफोन 14 फिर से आपको 50,000 पे देखने को मिल जाएगा। हालांकि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा तभी आप 50,000 तक बाय करोगे। अदर केसेस में अगर आप बिना क्रेडिट कार्ड के, बिना कोई कार्ड डिस्काउंट के आईफोन 14 को ऑर्डर करोगे, उस केस में आपको 52,000 या तो 53,000 पे करना पड़ सकता है। हालांकि ये जो मैं प्राइस बता रहा हूं, ये प्राइस बता रहा हूं 128 GB के लिए, लेकिन अगर आपको हायर मॉडल लेना है तो उस केस में आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। मैं जो भी प्राइस बता रहा हूं वो बेस मॉडल के लिए बता रहा हूं, जो कि 128 GB है आईफोन 14 के केस में। तो अगर आपका बजट यहां पे लगभग 50,000 है तो फॉर श्योर आप आईफोन 14 ले पाओगे इस वाले समर सेल में। साथ ही साथ अगर हम लोग आईफोन 14 प्लस की बात करें, जो कि दिखने में हुबहू आईफोन 14 जैसा ही है, केवल उसका स्क्रीन साइज आपको बड़ा देखने को मिलेगा,
ओवरऑल उसमें आपको बैटरी लाइफ इससे ज़्यादा देखने को मिलेगा। ऐसे फ़ोन अगर आप 14 प्लस लेने का सोच रहे हो तो 14 प्लस आपको लगभग 60,000 में देखने को मिल जाएगा इस बार समर सेल में। लेकिन अगर आप 14 प्लस लेने का सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि 14 प्लस जिस प्राइस पे आपको देखने को मिलेगा उतना प्राइस पे करके आप आईफोन 15 को भी ले सकते हो। इसलिए 14 प्लस ना लेके मेरे हिसाब से 15 लेना यहाँ पे ज्यादा समझदारी वाली बात होगी। सो हम लोग नेक्स्ट फोन पे आ जाते हैं जो कि है आईफोन 15। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया 14 प्लस का जो प्राइस होगा लगभग 60,000, उतने ही प्राइस में आपको आईफोन 15 देखने को मिल जाएगा इस बारे सेल में। तो अगर आपको आईफोन 15 लेना है तो इस बार समर सेल में लगभग आपको 60,000 के अराउंड में देखने को मिल जाएगा। हालांकि ये जो प्राइस मैं बता रहा हूँ ये कार्ड ऑफर के साथ बता रहा हूँ, अगर आप कोई भी कार्ड ऑफर नहीं लगाते हो तो आईफोन 15 128 GB लगभग आपको 62,000 तक देखने को मिल जाएगा समर सेल में। नेक्स्ट फोन की अगर बात करें जो कि है आईफोन 15 प्लस, तो अगर आपको आईफोन 15 प्लस लेना है तो 15 प्लस के लिए लगभग आपके पास बजट होना चाहिए 70,000। 70,000 से नीचे एग्जैक्टली आपको आईफोन 15 प्लस देखने को मिल जाएगा, लेकिन बहुत जगह पे सेकेंड हैंड मार्केट में आज के डेट में आईफोन 14 प्रो भी आपको 70,000 में देखने को मिल जाता है। तो अगर आप 15 प्लस के लिए सोच रहे हो तो उस केस में मेरे हिसाब से आप थोड़ा बहुत एक बार 14 प्रो भी देख लेना, क्योंकि हो सकता है वो ज़्यादा आपको इससे बेटर लगे और इससे ज़्यादा वो प्रीमियम लगे। बाकी अगर आपको नया लेना है तो डेफिनेटली 15 प्लस भी एक अच्छा डिवाइस है, उसको भी आप ले सकते हो और इस वाले सेल में वो भी आपको लगभग 70,000 के अराउंड में मिल जाएगा। हालांकि अभी तक सेल का जो डेट है वो कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह का ट्रेंड लास्ट ईयर में भी चला था उसके अकॉर्डिंग कहा जा सकता है फरवरी एंड में या तो मार्च के फर्स्ट वीक में आपको ये वाला सेल दोनों जगह पे देखने को मिलेगा, फ्लिपकार्ट पे भी देखने को मिलेगा, अमेजोन के ऊपर भी देखने को मिलेगा और ऑफलाइन बहुत जगह पे देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप इस सेल के लिए वेट कर रहे हो तो डेफिनेटली वेट करना वर्थ इट है, क्योंकि प्राइस काफ़ी ज़्यादा डाउन जाएगा। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की अगर हम लोग बात करें तो एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड इस बार फ्लिपकार्ट पे ऊपर देखने को मिल सकता है, साथ ही साथ अमेजोन के ऊपर SBI का क्रेडिट कार्ड का ऑफर आ सकता है ऐसा लीक है। बाकी कुछ दिन हम लोग वेट करते हैं, जैसे ही टीजर पेज वगैरह आ जाएगा आप लोगों को इस चैनल पे वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि सेल्स रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो आपको इस चैनल पे सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। तो मेक श्योर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।